बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एसएसटी में एक्सरसाइज 5 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे डील करेंगे। ठीक है, जो बचा हुआ प्रॉब्लम है उसे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, और जो दो प्रश्न बच गए थे चलिए आज हम लोग उसे डील कर लेते हैं। द नंबर फर्स्ट में बच्चों, नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन है, हु आर नोम्स, नोम्स ठीक है, नोम्स कहा जाता है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। नोम्स क्या होता है, इसको हम लोग बंजारा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बंजारा भी बोलते हैं। लिखेंगे आंसर में, सम पीपुल डू नॉट लिव एट वन प्लेस दे आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज मूविंग दे आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस प्लेस टू अनदर इन सर्च सर्च ऑफ वर्क 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 दिस पीपुल People are known as nomads. ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक स्थान पे नहीं रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा इधर से उधर घूमते रहते हैं अपने काम को लेकर। ठीक है, अपने काम को लेकर वो क्या करते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो उन्हीं को हम लोग का क्या कहते हैं, नोमेड्स कहते हैं, या बंजारा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जो एक स्थान पे नहीं रुकते हैं, इधर से उधर क्या करते हैं, घूमते हुए रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लॉन्ग हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, वेयर डू वी फाइंड इग्लूज, आप कहाँ इग्लू कहाँ पाते हैं। इग्लूज हम लोग इग्लूज को कहाँ पाते हैं, आंसर में इसका लिखेंगे लिखेंगे देयर आर टेन प्लेस प्लेस प्लेसेस कर दीजिएगा, प्लेस प्लेस विच रिमेन इवन विथ स्नो स्नो थ्रू आउट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, हम लोग कहाँ इसको फाउंड करेंगे, जहां पे
पूरे ईयर क्या होता है, श्नोब से ढका हुआ रहता है, यानी कि बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो उस स्थान पे हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, इग्लू मिल जाएगा, है ना। इग्लू यानी कि इग्लू वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जो सालों भर क्या बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वहाँ क्या पाया जाता है, इग्लू, यानी कि वहाँ पे इग्लू बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग को बताए थे ना, इग्लू वहाँ पर बर्फ से ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी मिट्टी ये सब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वहाँ क्या करते हैं लोग, बर्फ का ही छोटा छोटा क्या बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं, और जिस उसके द्वारा अपना इग्लू बनाते हैं, है ना। तो इसमें और भी हम लोग लिख सकते हैं, देयर आर क्रिएटेड प्लेस विच द रिमेंस विद स्नो थ्रू आउट द ईयर वी फाइंड द इग्लू, लेकिन इतना ही पर छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना ही आंसर रहने देते हैं आप लोग का। देयर आर क्रिएटेड प्लेस केवल ये पूछ रहा था ना कि कहाँ पे पाया जाता है, तो बस वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पर सालों भर यानी कि पूरे ईयर बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो उस स्थान पे क्या होता है, इग्लूस पाया जाता है ना। जब वैसा स्थान, वैसा प्लेस जहाँ पे पूरे साल यानी कि पूरे ईयर बर्फ ही गिरता रहता है, ठीक है, पूरे ईयर क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वो कैस तो वह वहाँ पे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, इग्लूस प्राप्त करते हैं, यानी कि इग्लू देखने को मिलता है। नोमेड्स इसको कहा जाता है, तो नोमेड्स वैसा लोग, वैसे लोग होते थे जो एक स्थान पर रहकर यानी कि अपना भोजन एक स्थान पे कभी नहीं रहते थे, वो हमेशा क्या करते थे, वर्क के कुछ वर्क के लिए एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करते थे, सर्च करते रहते थे, घूमते रहते थे। तो ऐसे लोग को क्या कहा गया था, नोमेड कहा गया था। सम पीपल डू नॉट लिव एट वन प्लेस, दे आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क, दिस पीपुल नो एज नोमेड्स, ठीक है। वैसा पीपुल, वैसे लोग जो हमेशा एक स्थान यानी कि एक स्थान पे नहीं रहते हैं, दे ऑलवेज हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक ना, तो उसको क्या कहा जाता था, नोमेड्स कहा जाता था। इसमें इग्लूस में क्या है, देयर आर द क्रिएटेड प्लेस विच द रिमेंस विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि वैसा प्लेस जहाँ पर सालों भर क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इग्लूस कहते हैं। तो इसका चलिए होमवर्क में आप लोग लिख लीजिएगा, होमवर्क में हो जाएगा एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन आंसर आप लोग को मेक करना है और मेमो करना है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आंसर मेक करना है और मेमो करना है, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में, ओके बच्चों। और आप लोग को हम फेयर कॉपी के लिए बोले थे बच्चों, ठीक ना, ओके बच्चों।